साल 2023 में सावन मास का अंतिम या आखिरी मंगला गौरी व्रत 29 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। ऐसे में इस वीडियो में आइए जानते हैं कि सावन के आखिरी मंगला गौरी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री और विधि क्या होगी। 29 अगस्त को आप पूरे दिन किसी भी समय मंगला गौरी की पूजा कर सकते हैं। ये पूरा दिन ही आपके लिए शुभ है। अब आइए जानते हैं मंगला गौरी के व्रत में पूजा सामग्री क्या लगेगी। शिव पार्वती जी की प्रतिमा या तस्वीर, एक चौकी, लाल रंग का कपड़ा, 16 मालाएं, कपास, लौंग, सुपारी, इलायची, दिया, घी, पान, फूल, फल, लड्डू या मिठाई, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां, 16 श्रृंगार का सामान, 5 तरह के सूखे मेवे या पंचमेवा, 7 प्रकार के धान, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, मंगला गौरी व्रत कथा की पुस्तक आदि। अब 29 अगस्त 2023 की सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए नए वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मां मंगला गौरी का एक चित्र या प्रतिमा लें, फिर मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र का जाप करें, अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जो कि आटे से बना हुआ है उसे जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। फिर कुमकुमा गुरुलिप्तांगा सर्वाभरण भूषितान नीलकंठ प्रियाम गौरी वंदेहम मंगलायाम, यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, जो उन्हें 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां और मिठाई अर्पित करें। 5 तरह के सूखे मेवे, 7 तरह के अनाज आदि अर्पित करें। पूजा के बाद मंगला गौरी की कथा जरूर सुने। शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। आप चाहें तो इसे निर्जला भी रख सकते हैं। अगर निर्जला रखना संभव नहीं है तो आप पूजा पाठ का संपन्न कर शाम को अपना व्रत सबसे पहले प्रसाद खा के उसके बाद अन्न खा के खोल सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।